मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन बताने जा रहा हूं जो म्यूटेशन से संबंधित है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, बीच में इसको आप एस्केप मत कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। इसके पहले एक और अनुरोध है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब विषय पर आता हूं। 2024 का एक लैंडमार्क डिसीजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसमें अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह के मामले में ये कहा गया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कानून है इसमें तीन शब्द हैं, म्यूटेशन होता है, नामांतरण होता है, दाखिला खारिजा होता है। ये तीनों शब्द एक ही हैं और केवल आप म्यूटेशन करा लेने से जमीन के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि जो भी लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड, चाहे वो रेवेन्यू अथॉरिटी के रूप में नगर निगम हो, आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड पर्टिकुलर में खसरा नंबर में नगर निगम हो सकता है, जीएडी हो सकता है, जो भी वहां का रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करता है, इस मामले में जाकर किसी व्यक्ति ने उसके पिता की मृत्यु के बाद अपना रिकॉर्ड उसमें चढ़वा लिया और म्यूटेशन में चढ़ जाने के कारण ये माना गया कि म्यूटेशन का जो रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उसमें नाम चढ़ जाने से उसका कोई वो नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता है। म्यूटेशन दाखिला खारिजा होना चाहिए सबसे पहले, जैसे रजिस्ट्री है, वसीयत है, गिफ्ट डीड है, जिससे भी आपको प्रॉपर्टी मिली है उसके बाद म्यूटेशन होना चाहिए। और उस व्यक्ति के द्वारा टैक्स वगैरह पटाने से, केवल म्यूटेशन से, एक्स व्यक्ति की डेथ बिना वसीयत के मान लीजिए हो गई और वाई व्यक्ति ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम म्यूटेशन में चढ़वा लिया, लीगल वारिसान के रूप में दाखिला करा लेने मात्र से ये इन्होंने इस मामले में अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह के में डिसाइड किया। म्यूटेशन डज नॉट गिव द प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट, प्रॉपर्टी की ओनरशिप का राइट नहीं मिलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है, आर्टिकल 141 के तहत द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। तो ये मामले में यही कहा गया कि म्यूटेशन से केवल ये ओनरशिप का राइट नहीं आ जाता है, म्यूटेशन कराना नगर निगम का टैक्स की एंट्री मात्र म्यूटेशन से मानी जा सकती है, मालिक वो उस प्रॉपर्टी का जब तक नहीं होगा, जब तक के सारे पेपर्स और किस तरह से वो प्रॉपर्टी आ रही है, एंसेस्ट्रल से आ रही है, सेल्फ एक्वायर्ड है, किस तरह की क्या प्रॉपर्टी है, बाकी सबका जो भी उसके बंटवारे के उसमें हक रखते हैं सक्सेशन एक्ट के तहत, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, तो उनको बच्चों को, पत्नी को मदर के नाम से होगा। केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लेने मात्र से ये नहीं माना जाएगा कि उसकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पर है। तो ये महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है 2024 में और इसको आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से, मैं इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियां आपके समक्ष लाकर आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं हृदय से आपका आभारी हूं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं आप लोग, देख रहे हैं, आपका स्नेह मिल रहा है। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।